अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कॉनेंस किचन। कॉनेंस किचन में आज हम बनाने लगे हैं कचनार और चिकन। इसको दो स्टेप पे करेंगे। पहले कचनार की मैरिनेशन करेंगे। दही ली है मैंने आधा किलो, कचनार ली है मैंने एक किलो। तरह के बीच में फूल भी हों तो फिर भी कोई मसला नहीं। कचनार को मैंने अच्छे से धो के मैंने इसको इस तरह बास्केट में डाल दी है। दही में मसाले डाल लेते हैं। पहले हम इसको मैरिनेशन करेंगे 2 से 3 घंटों के लिए। नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा जीरा और साबुत धनिया जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कचनार को आप इस तरीके से जरूर बनाइएगा क्योंकि बहुत मजे की बनती है। अब मैं इसमें कचनार डाल दूंगी। जो राय क्या है वो भी ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स कर लूंगी। इसमें मैंने साबुत हरी मिर्ची भी डाली हुई है, उसको भी इसके साथ ही मैरिनेट कर लेंगे। ये देखिए, और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए आप मैरिनेट करके रख दें। अगर आप ओवरनाइट इसको रखते हैं, अगले दिन बनानी है तो अगर आप ओवरनाइट रखते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, बहुत मजे की बनेगी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करके फिर हम अपने दूसरे स्टेप पर आ जाएंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है और अब इसको मैं तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए इसी तरह मैरिनेट करके रख दूंगी। और उतनी देर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। ऑयल ले लिया मैंने, 1 कप मैं ऑयल डाल दूंगी इसमें। मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स इसलिए नहीं दिखाए कि फौरन से इस पे आ जाते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो मैं इस पे प्याज डाल दूंगी। 3 मीडियम साइज की मेरे पास प्याज है, वो ऐड कर दूंगी। मैंने कचनार को जो है वो ओवरनाइट के लिए मैरिनेट किया है। आप चाहें तो 2 घंटों के लिए या 1 घंटे के लिए भी उसको मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा उसको मैरिनेट करेंगे उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। इसके साथ ही मैं इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्ची भी डाल दूंगी। प्याज ब्राउन हो गया, मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। 1 kg मेरे पास चिकन था। साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और इसको भी इसके साथ फ्राई कर लूँगी। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें साथ ही टमाटर ऐड कर दूँगी, मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा इसको जैसे ही ज़रा थोड़ा टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें कचनार डाल दूँगी। चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया और टमाटर भी जो है हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें सारी कचनार डाल दूँगी। ये देखिए, सारी कचनार मैंने इसमें डाल दी है। इसको हल्का हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें एक्स्ट्रा मसाले कोई ऐड नहीं किए। मैंने जो कचनार में दही को मैरिनेट करते हुए, दही में मैरिनेट करते हुए कचनार को जो मसाले डाले थे मैंने वो भी डाले हैं। मैंने एक्स्ट्रा से भी कोई मसाला नहीं डाला, लेकिन थोड़े से जैसे ये सॉफ्ट होगी थोड़े से तो मैं इसको टेस्ट करूंगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें ऐड करूंगी, अदरवाइज मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से, आप इसका कलर देखें कि कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अब मैं इसका फ्लेम जो है वो अभी हाई पे रहने दूंगी और 5 मिनट के बाद मैं इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दूंगी। दम पे इसको रख दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। जी ये देखिए, पानी इसका सारा खुशक हो चुका है और इसने जो है वो घी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। मैंने इसको अभी इसका दम खोला। ये देखिए, और चिकन भी अच्छे से हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से, और बिलीव करें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं इसको चेक कर लेती हूँ, ये गल चुकी है। बिस्मिल्लाह।
जी माशाल्लाह से हमारी कचनार भी हो चुकी है। नमक मुझे इसमें कम लग रहा थोड़ा सा। जी ये हो गया है। अब मैं इसमें एक चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर दोनों मैंने मिक्स कर लिए थे और वो भी ऐड कर दिए मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप इसकी लुक भी देखें, बहुत दम में बनी है, ना हमने कोई एक्स्ट्रा पानी डाला है ना कुछ भी नहीं, और बहुत अच्छे से ये हो चुकी है जी। और इसमें सब ने अच्छे से अपना घी भी छोड़ दिया है। ये देखें माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें। तो मज़ीद सिर्फ एक मिनट के लिए दम लगा दूंगी, कवर कर दूंगी और दम लगा के इसको डिश आउट कर दूंगी। जी ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर दिया और माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख लें, इसकी ओवरऑल लुक देख लें आप। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, कितना हसीन लग रहा है, बहुत मजे का बना है। जरूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।